एक ही पटरी पर चल रही दो ट्रेनों के बीच कितनी दूरी होती है, जिसे एक ट्रैक पर होने पर भी ट्रेन आपस में नहीं टकराती, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और फैक्ट ब्लिट क्रिज को सब्सक्राइब कर लें। रेलवे दो ट्रेनों के बीच की दूरी को मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम फॉलो करता है। पहला एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, जिसमें दो ट्रेनों के बीच 6 से 8 किलोमीटर की दूरी रखी जाती है। ट्रेन जब एक स्टेशन से निकलकर दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है, तब पिछले स्टेशन से ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है। दूसरा ऑटोमेशन ब्लॉक वर्किंग, इस तकनीक में पटरी के किनारे लगे बॉक्स से ऑटोमेशन सिग्नल का संचालन किया जाता है।